महाराष्ट्रीयन स्टाइल में एकदम ढाबे जैसा दाल बथुआ। दाल बथुआ बहुत ही मस्त बनकर तैयार, एकदम लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं हूँ प्रिया, प्रियास किचन ब्लॉग में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं आज आप लोग के साथ में दाल बथुआ की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको चावल के साथ में खा सकते हो, बहुत ही मस्त यम्मी बनकर तैयार होगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं दाल बथुए की सब्जी। तो मैंने बथुआ लिया है, एक गट्टी मैंने लिया है बथुआ की, देख सकते हो। तो इस टाइम सर्दियों में आसानी से मार्केट में मिल जाती है बथुआ, तो इसकी मैं आप लोग को महाराष्ट्र स्टाइल में दाल बथुआ बनाकर दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मस्त ये दाल बथुआ बनकर तैयार होगा फ्रेंड। इसको आप चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है। तो मैं बथुआ की इस तरीके से नई रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। तो मैंने बथुआ के पत्तों को इस तरीके से तोड़ दिया है, फिर इसको इस तरीके से बारीक बारीक मैंने कट कर दिया है। बहुत ही मस्त हमारा बथुआ बनकर तैयार होगा फ्रेंड, इस तरीके से आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिए। तो मैंने इस तरीके से बथुआ को कट कर दिया है, देख सकते हो, एकदम बारीक कट कर देना इसके पत्तों को। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से 3 से 4 बार इसको अच्छे से धो लेंगे, अगर इसमें मिट्टी विट्टी होगी तो निकल जाएगी। तो मैंने इस तरीके से इसको एक बोल में रख दिया है, इसको अच्छे से धो लेंगे। इसको अच्छे से धो देना है, तो चलो इसको धो के लेके आती हूँ। तो देख सकते हो बथुआ को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब दाल बथुआ बनाने में अब हम लोग को क्या लगेगा, चलो तो मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने लिया है तूल की दाल, लिया है एक कटोरी मैंने लिया है तूल की दाल, जो भी हरड़ की दाल कहते हैं, और 3 से 4 मैंने लिया है चने की दाल। दाल बथुआ बनाने के लिए इसमें चने की दाल बिल्कुल डालिए फ्रेंड, बहुत ही मस्त हमारा टेस्ट आएगा। महाराष्ट्रीयन स्टाइल में बना कर दिखा रही हूँ, तो इसमें चने की दाल ज़रूर पड़ती है। तो मैंने थोड़ी सी ली है मूँगफली। अब क्या करेंगे, दोनों दाल को अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे, अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से इसको धोना है, देख सकते हो, इसको अच्छे से धो लेंगे। अब मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, अब कुकर में मैं इसको सारी दाल को डाल दी हूँ। अब इसमें डालेंगे हमारा बथुआ, बथुआ भी अच्छे से धो के रखा था, और बथुआ को डाल देंगे कुकर में। अब मैंने जो मूंगफली ली थी वो भी थोड़ी सी डाल दी मैंने, 1 गिलास पानी डाल दिया है इसमें, और कुकर का ढक्कन बंद करके इसकी 3 से 4 सीटी निकाल देंगे। तो देख सकते हो 3 सीटी मैंने निकाल दी है, तो हमारी दाल बथुआ एकदम मस्त पककर तैयार है, एकदम से अच्छे से गल चुका है। तो इस तरीके से ब्लेंडर से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलो इसका तड़का बनाते ग्रेवी वाला। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से पहले गरम कर दिया है, फिर इसमें तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गरम होने के बाद में मैंने डाल दिया है काली सरसों, तो 1 चम्मच मैंने सरसों डाल दिया है, 1 चम्मच थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और अच्छे से जब चटकने लग जाएगा जीरा तभी मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को अच्छे से चलाएंगे, इसका अच्छे से ब्राउन कलर होने तक इसको चलाते रहेंगे। तो तड़का बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो गैस की फ्लेम को हाई रखना है। तो देख सकते हो इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से भुनेंगे अच्छे से इसका कच्चापन निकलने तक। और देख सकते हो मैं डाल दिया है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, 4 से 5 लाल मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा सा डाल दिया है कड़ी पत्ता, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जाएगा इसमें कुछ मसाले, तो मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, 1 बड़ा साइज का टमाटर अच्छे से बारीक बारीक कट करके इसको भी डाल दिया है। इसके ऊपर ढक देंगे गैस की फ्लेम को, इस स्टेज पे कम करके इसको पकाएंगे, एकदम हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, देख सकते हो मसालों के साथ हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नमक।
तो मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, आप स्वाद अनुसार डाल सकती हो। एक चम्मच मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हो। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें मैंने, नमक जो है इससे पानी छोड़ देता है। तो आप देख सकते हो ऊपर अच्छे से तेल आ चुका है, तो इसी स्टेज पे डालेंगे हमारे दाल बथुआ जो पका कर रखा था। और इस टाइम में गैस को हाई कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो दिख रहा है मस्त हमारा दाल बथुआ। तो इसको ढककर मैंने 5 मिनट के लिए पकाया है। तो वाओ हमारा दाल बथुआ कितना मस्त ज़बरदस्त लाजवाब बनकर तैयार है फ्रेंड्स। देखिए मुंह में पानी आ गया, बहुत ही मस्त हमारा दाल बथुआ बनकर तैयार है। ऊपर से डाल देंगे और ढेर सारा डाल देंगे हरा धनिया। ऊपर से डाल दिया हरा धनिया, एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने कर दिया है फ्रेंड्स गैस को बंद। तो हमारा दाल बथुआ मस्त बनकर तैयार है, बहुत ही मस्त बनकर तैयार है हमारा दाल बथुआ। वाओ तो चलो इसको करते सर्व। इसको दाल बथुआ को चावल के साथ में खाने का बहुत मज़ा है, लेकिन ठंड में गरम गरम चावल और दाल बथुआ बहुत ही मस्त बनकर तैयार है। तो चलो इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही मस्त और लाजवाब हमारा दाल बथुआ बनकर तैयार है। देख के मुंह में पानी आ रहा है, चावल के साथ में बहुत ही मस्त बनकर तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू छोड़ दीजिए और क्या ही मज़ा, ठंड में आसानी से बनाकर खा लीजिए फ्रेंड। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए दाल बथुए की रेसिपी, बड़े से लेके छोटे तक पसंद आ जाएगी ये दाल बथुआ की रेसिपी फ्रेंड्स। तो आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फ्रेंड्स मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।